बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आग पर काबू अभी तक भी नहीं पाया जा सका है। यहां की आग रह रहकर लगातार विकराल होती चली जा रही है। कल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लग गई थी। 14 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। फायर विभाग के मुताबिक पूरी तरह से आग बुझाने में अभी और भी 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। आपको बताते चले कि एक बिल्डिंग का एक तरफ का हिस्सा गिर गया है और नीचे आग दबी हुई है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा देरी हो रही है। किसी के हताहत होने की हालांकि सूचना नहीं है, ये अच्छी खबर है। आग बुझाने का काम अभी भी चल रहा है। जानकारी यही है कि अभी भी 3 से 4 घंटे का और वक्त लग सकता है। गलियां बहुत छोटी हैं, लिहाजा आग बुझाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली के चांदनी चौक से, जहां पर एक साड़ी की दुकान में बताया गया आग लगी, बड़ा नुकसान वहां पर हुआ, लेकिन अभी तक भी आग बुझ नहीं पाई है। लगातार 50 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है, लेकिन रह रहकर आग की लपटें हैं कि उठती ही चली जा रही है। डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो भी News18 India पर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे 14 घंटे से अभी तक भी आग लगी हुई है। चांदनी चौक से मानव मेरे साथ लाइव मौजूद है। मानव, अभी कितना और समय लगेगा, क्योंकि सुबह भी यही खबर थी 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, समझना ये होगा कि दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है। दरअसल हुआ ये है कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विकास थोड़ा आगे आगे तस्वीरें दिखाइएगा, कि ये अनिल मार्केट है और ये पूरा कपड़ों का बाजार था। अब हुआ ये कि जब शाम को आग लगी थी, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी, और आग लगने के बाद वो अंदर ही अंदर पूरी मार्केट में फैलती चली गई। तो अब फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनको दिक्कत ये आ रही है कि जाने का रास्ता है नहीं, तो उनको दूर से ही आप तस्वीरों में देखेंगे पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वो पानी का प्रेशर दूर से ही डाल रहे हैं कि आपको बुझाया जा सके। और करीब 150 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर अब तक जल चुकी हैं, लेकिन क्योंकि कपड़ा और कागज़ किताबें वो सामान यहाँ पर भरा हुआ था, और इसीलिए वो नीचे की तरफ से अब आग लगी हुई है, उसको बुझाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ तक फायर कर्मचारी पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और आप सामने देखेंगे तो वहाँ पर लगातार फायर कर्मचारी लगे हुए हैं, करीब 14 से 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन लगातार कड़ी मशक्कत के बावजूद भी बीच बीच में आग की लपटें यहाँ पर उठती हैं। और हम नीचे भी गए थे, हमने देखा दुकानों के अंदर से अंदर की तरफ जाकर कि करोड़ों रुपए का माल यहाँ पर, क्योंकि ये चांदनी चौक नई सड़क वो इलाका जहाँ पर साड़ियों का व्यापार, दुल्हन के लहंगे का व्यापार ये सब होता है, और ये बहुत 150 साल पुराना बाजार बताया जाता है। ये मारवाड़ी कटरा अपने आप में करीब 130 साल पुराना है, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है। बगल में एक स्कूल है, स्कूल के ऊपर अभी आप देखिए तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो स्कूल की इमारत सुरक्षित है, बगल वाली इमारत जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ये सुरक्षित है, लेकिन जो बीच की अनिल मार्केट जिसको बताया जाता है वो पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। करीब 150 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, शटर गिरे हुए, टीन शेड गिरे हुए, ये दुकानें एक एक मंजिल की दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ पर उन दुकानें पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं, और इनमें जो जितना भी माल था वो सबको जल चुका है। और ये यहाँ पर किताबों की दुकानें थी, कहा यह जा रहा है कि किताबों की वजह से आग को फैलने में और ज़्यादा एक तरीके से मदद मिली, क्योंकि हवा तेज चल रही थी, किताबें थी, कपड़े थे, इसलिए कड़ी मशक्कत यहाँ पर और ज़्यादा करनी पड़ रही है, और फिलहाल कुछ और घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। आग जो है ऊपर के हिस्से में तो बुझा दी गई है, लेकिन निचले हिस्से में जो आग लगी हुई है उस पर काबू पाने के लिए अभी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। लवीना, बिल्कुल मानव, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं News18 India पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत डरा देने वाली हैं। आपने बताया कि वहाँ स्कूल भी है, अभी उसकी इमारत सुरक्षित है, जहाँ पर आप खड़े हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मानव अगर अभी भी ये आग नहीं बुझी तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले समय में, लगातार चूंकि आग बढ़ती चली जा रही है तो आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में सकती है, जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है मानव। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर आसपास के लोगों को पहले यहाँ से हटा दिया गया, बिजली के कनेक्शन कटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि पहुंच वहाँ तक फायर कर्मचारियों की है नहीं, जहाँ पर जिस हिस्से में आग नीचे लगी हुई है, तो कोशिश उनकी है कि दूर से पानी की तेज बौछार से आग को बुझाया जा सके। आग की जो घटना है करीब वो 4:30 के बाद की घटना है, तो उस समय स्कूल खाली था, आसपास बाजार जरूर खुला हुआ था, तो स्कूल सुरक्षित है, जिस इमारत पर हम खड़े हुए सुरक्षित है, लेकिन जिस इमारत में आग लगी थी, अब देखिए, अब ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, कि जिस इमारत में आग लगी थी वो आग बुझ चुकी थी ऊपर के हिस्से पर, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से आग फिर लग गई है। अब ऐसे में ये फायर विभाग के कर्मचारी फिर से दोबारा यहाँ पर
आग को बुझाने के लिए पहुंचे, क्योंकि ये शुरुआत का हिस्सा है। जब हम कल यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे थे देर शाम अपने दर्शकों को, तो यहाँ पर सबसे पहले आग उठती हुई दिखाई दे रही थी। 12 घंटे के बाद अभी आग एक बार यहाँ पर फिर से फैलती है। मानव यही उम्मीद है कि बहुत जल्दी आग बुझ जाएगी। आप नजर बना के रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन चांदनी चौक के नई सड़क इलाके में आग की वजह से भारी तबाही मच गई है। 60 से ज्यादा दुकानों के यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का सामान था वो जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। चांदी चौक इलाके में लगी आग कितनी भीषण है ये दिखाने के लिए हम अभी पहुंचे हैं आग लगी बिल्डिंग की बगल वाली छत पर। और आप यहाँ से ये तस्वीरें देखिए कि ये आग कितनी भयानक है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो पूरे तरीके से तहस नहस हो चुकी है। और ये आप देखिए, ये तस्वीर तो आप देख के अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये आग ने सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि 150 से 170 के आसपास दुकानें हैं जो इस मारवाड़ी कटरा की मार्केट में थी, और ये पूरे तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुकी है। दूर दूर तक सिर्फ तबाही के निशान यहाँ पर आप देख पाएंगे। और जी हम बगल वाली इमारत से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करीब 15 घंटे से ज्यादा का समय होने के बावजूद भी आग पर अभी काबू यहाँ पर नहीं पाया गया है। पूरी दुकानें अब मलबे में अब तब्दील हो चुकी है। फायर विभाग के कर्मचारी अगर आप देख पाए तो जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि फायर विभाग के कर्मचारी किस तरीके से रात भर यहाँ पर लगे रहे। और अभी भी आप यहाँ पर देखिए कि आग को बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन जो धुआं है वो अभी भी यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग जो एक तरीके से दुकानों का निचला हिस्सा है उसमें पूरी तरीके से पहुंच चुकी है, और रह रहकर आग की लपटें हैं वो यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि आग आप जो इस तरीके से जो तबाही है वो देख पाएंगे। और ये वो मारवाड़ी कटरा है, मारवाड़ी इलाके है, अनिल मार्केट जिसको कहा जाता है, जो 150 साल पुरानी मार्केट बताई जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 125-130 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने ये पूरे इलाके को बनते संवरते देखा है। लेकिन क्योंकि पुराना इलाका है चांदनी चौक का, और छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, और इसीलिए कड़ी मशक्कत यहाँ पर फायर विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ रही है कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। आप देखिए इस तरीके से आग के पास पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए हाई प्रेशर पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे ही पानी पड़ता है तो धुआं और तेजी के साथ यहाँ पर ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। शेयर बाजार की सपाट शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो पर लॉग इन करें। देखिए कितना तभी हरियाणा के सिर मर दिया, क्योंकि दिल्ली में पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच टैंकर माफिया के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, सवाल जवाब किया, क्योंकि दिल्ली में पानी के टैंकर लाइफलाइन बन चुके हैं। लोग सुबह से उनके इंतजार में सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, और टैंकर पहुंचते ही मारामारी शुरू हो जाती है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में